हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो आज जो है हम हो गए हैं रेडी और अभी जा रहे हैं मंदिर, और साथ में यहाँ पे श्वेता, शौर्य और मम्मी उधर किचन से आ रहे हैं, वो देखिए। तो हम जा रहे हैं अभी मंदिर और उसके बाद जाएंगे कैफे, और कैफे में आज हम लगा रहे हैं लंगर चाय का और बिस्किट का। तो आपको आज के इस पूरे व्लॉग में जो है दिखाएंगे, सबसे पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद कैफे जाएंगे, लंगर लगाएंगे, सब कुछ आपको जो है आज के व्लॉग में दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। शोरू कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा, पर अच्छा लग रहा है। हाँ, वहाँ भी बहुत ठंड लग रही है। हाँ, आज बहुत रश हो सकता है दोस्तों, महाशिवरात्रि है तो भोलेनाथ जी के मंदिर में बहुत रश हो सकता है। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ चलिए और बने रहिएगा। जा रहे हैं मंदिर, बस अभी पहुंचने वाले हैं, दो मिनट में हम मंदिर पहुंच जाएंगे। गाइस देखो कितना सारा रश है। गाइस ये देखो पापा आ गए, दादी पीछे पीछे आ रहे हैं। शिव जी भोलेनाथ। तो मंदिर में हमने कर लिया दर्शन, काफी रश है यहाँ पे। दादी उधर से भी आ रहे हैं, अभी हमने दिखाया वो हर हर गौ माता के चारे के लिए शुद्ध हरा चारा। गौ आई है, देखो हरा चारा तारा जा रहा है, तो गौ खाऊंगी, गौ दान का कारण बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगी। सारे भक्तन बेची है कि पर मंथ अपनी कमाई से हर बंदा एक दाली जरूर दान करे। गौ माता आशीर्वाद बहुत बहुत लगता है। आओ सारे लोग गौ हरा चारा पाइए। जय गौ माता, जय गौ माता। पापा चारा डाल रहे हैं गाय के लिए, वो देखो एक गाय पहले खा रही है। हम आए, पापा ने खिला भी दिया। कैसे हो भाई, कैसे हो? पापा हम आए हैं, आपने खिला भी दिया। तो ये होता कहाँ उसको मंदिर में हमने कर लिया दर्शन और अब हम जा रहे हैं कैफे की तरफ। कैसा लगा शौर्य आपको मंदिर में दर्शन करके? बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। और अब मैं पप्पी से भी मिलूंगा। क्या पप्पी से भी मिलेगा? पप्पी से भी मिलेगा, वहाँ छोटे छोटे पप्पी। हाँ जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। राजे हिमाचल पार्वती दा जदों से प्यार चाया गौरांदा, नी देखो लाड़ा चढ़ बैल ते आया, चढ़ बैल ते आया। पार्वती दे बूए अगे शिवा ने बिगल बजाया गौरां दा, नी देखो लाड़ा। तो हम पहुंच चुके हैं कैफे और टेबल जो है यहाँ लगे हुए हैं और इसको हम शिफ्ट करके इधर लगाएंगे इस साइड। यहाँ आप देख सकते हैं चाय। तो ये बिस्किट के बॉक्स रेडी, यहाँ पे चाय बनने को रेडी है, यहाँ पे डिस्पोजेबल और यहाँ पे और कुछ बिस्किट। तो इधर जो है दूध के पैकेट वो भी रेडी, यहाँ आप देख सकते हो। चलो जी, जय भोलेनाथ। अब देखिए चाय हमारी रेडी हो रही है, मंदीप चाय बना रही है। इधर देखिए, दिखा दीजिए, ये देखिए। जय भोलेनाथ मंदीप, जय भोलेनाथ।
ना स्टॉल लगाया है, यहाँ पर हम लोगों को बिस्किट वगैरह खिला रहे हैं। और ये हमारा कैफे, हमारी चाय आ गई है, ये कविंदर जी लेके आ रहे हैं चाय, और ये शर्मा जी ने इसको सेट करते हुए। अशो क्या नाम है आपका? देखिए शर्मा जी सेवा भाव करते हुए। यहाँ पे एक बॉक्स हमारा खाली हो गया है, एक रह गया यहाँ पे, और जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम लंगर की समाप्ति करेंगे। हाँ जी उधर दो जी, चाय पिलाओ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं दो बॉक्स बिस्किट के ख़त्म हो गए हैं और लंगर की समाप्ति, करीब दो घंटे हमारा जो है लंगर चला, थोड़ी चाय बची है, तो ये जब तक फिनिश होती है तब तक हम लंगर जो है चलाएंगे। तो बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा, हमने आज जो लंगर लगाया शिवरात्रि के पावन अवसर पे, बहुत हमारा अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहा। हमारे पास जो बिस्किट थे वो ऑलमोस्ट फिनिश है, जैसे बताया चाय जो है वो फिनिश होने वाली है, और करीब दो घंटे चला लंगर। तो अभी जो है हम जो है इसकी समाप्ति करते हैं लंगर की और चलते हैं कैफ़े के अंदर और कुछ खा पी लेते हैं।